मध्य प्रदेश के मौसम समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर रोजाना मौसम अपडेट देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके जिले का भी मौसम अपडेट हम देख सकें। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है तो अंत तक इसे जरूर देखें। चलिए जानते हैं आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में तापमान के क्या हाल रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश में किस तरीके का मौसम आने वाले दिनों में रहने वाला है, क्या मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने की संभावना है या फिर कड़ाके की ठंड पड़ेगी और कहां पर बारिश हो सकती है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश का क्या हाल रहा और क्या कुछ तापमान अभी मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मौसम पूरी तरह बदल गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हुई है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा ठंडक यहाँ पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में धूप नहीं खिली है, लिहाजा तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है। आपको बता देते हैं कि बीते दिन से ही भोपाल, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा, अशोकनगर और छतरपुर में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। ग्वालियर चंबल बेल्ट के अलावा जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, मुरैना, आगर मालवा और दमोह में रिमझिम बारिश हो रही है। साथ ही शिवपुरी के कोलारस में एक ही दिन में 1 इंच बरसात हो गई है। सतना में भी लगातार बारिश हो रही है। उमरिया में भी यही हाल बना हुआ है, यानी कि प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है और इसी के चलते यहां पर ठंडक देखी जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में जमकर तेज ठंड पड़ने वाली है और न्यू ईयर की शुरुआत मध्य प्रदेश में भी काफ़ी तेज ठंडक से होगी, क्योंकि कई जिलों में ओले गिरने की भी संभावना नजर आ रही है। आपको बता देते हैं कि अलग अलग जिलों में तापमान काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। भोपाल सहित जबलपुर, होशंगाबाद, रीवा, सागर, शाजापुर, विदिशा, राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ग्वालियर, चंबल संभाग में बारिश के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में 3 दिनों तक बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रह सकता है, जिसके चलते तापमान में और भी ज़्यादा गिरावट देखी जाएगी। अलग अलग जिलों के अगर तापमान की बात की जाए तो प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा इस वक्त पचमढ़ी है। आपको बता दें कि यहाँ पर न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। खजुराहो में 8 डिग्री सेल्सियस, नौगांव में 9 डिग्री सेल्सियस, रीवा में 9.2 डिग्री सेल्सियस, रायसेन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 9.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। बैतूल, छिंदवाड़ा में भी काफी ज्यादा ठंडक भरा दिन और रात रही। यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। उमरिया में 10.3 डिग्री सेल्सियस, मंडला में 10.2 डिग्री सेल्सियस, सागर में 11 डिग्री सेल्सियस और सीधी टीकमगढ़ में 11.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इसके अलावा ग्वालियर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी ठंड रही। ग्वालियर में न्यूनतम तापमान हालांकि थोड़ा ज़्यादा रहा, यहाँ पर 11.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। तो वहीं इंदौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 13.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। यानी कि आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान में उतना ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है, लेकिन अधिकतम तापमान में गिरावट का सिलसिला मौसम विभाग के मुताबिक लगातार जारी है और मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 24 से 48 घंटे के बीच बारिश की संभावना जताई है, जिसके मुताबिक रीवा, सागर, चंबल, ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल संभाग में बारिश के साथ कुछ इलाकों में बिजली भी गिर सकती है और कहीं कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है भोपाल, उज्जैन में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है और इसके अलावा ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, मुरैना, आगरमालवा, दमोह, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा में भी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती घेरे के रूप में सक्रिय है। एक ट्रफ लाइन जो है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है और पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से में चक्रवाती गतिविधियां अरब सागर के पास हैं। इस कारण बहुत ज्यादा नमी आ रही है और इसी के कारण कई जिलों में ओले के साथ बारिश भी बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि मंदसौर, अशोकनगर, गुना वाले इलाकों में भी लगातार बारिश का दौर जारी है और आने वाले 1-2 दिन तक ऐसा ही मौसम मध्य प्रदेश में रहने वाला है। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा।
हर दिन मौसम से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।